नमस्कार, द टाइपराइटर के लाइव सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीवल चौक के पास छीक महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने, और साफ लाइव विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू हाईकोर्ट द्वारा यहाँ पर आह्वान किया गया है, और युवा राजपूत सभा के सहयोग में इस वक्त सड़क पर उतर आई है बार एसोसिएशन। ठीक लाइव विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बार एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन जो है इस वक्त सड़कों पर उतर आई है, और युवा राजपूत सभा के सहयोग में इस वक्त पूरी की पूरी बार एसोसिएशन जो है इस वक्त सड़कों पर है। जम्मू शहर, जम्मू शहर, मंदरा शहर, इन्हें बनाया ठेका शहर, इन्हें गलियां गलियां अमरीका अमरीका टीम है नहीं पता दिल्ली खराब हा तो स्मार्ट मीटर की लाया खतरा मुसलमान फिर बीजेपी वोट पापा तुझी गले लोग नहीं डोगरा नहीं आंदा हूं स्मार्ट डोगरा नहीं आंदा तुस मी दसो साडा हिंदू समाज हिंदू सिख डोगरा ईसाई जम्मू के लोग सारे एक मुठन महाराज सुनो सब एक मुठ लोग जम्मू के हूं लोग समझिए राजनीतियां हूं बीजेपी सारे भ्राण सुनो मैं कोई गल सुनना मैं कदम जिंदगी कांग्रेस की वोट नहीं पाया बीजेपी वोट पाया है अस इसलिए वोट पाया हा कि बीजेपी सारे लोगों का भला कर तुम बड़ी गल दिखो सारे पुलिस के अफसर बाहर छुट्टियों स्टेट है तो बारह ने इतने सिरे पर लाई उड़े डी सी दिखो बारह का टीम कप दिखो बारह का और दिखो कि अस बारह से पुलिस अफसर ने कोई सारा पुलिस अफसर दिखो कोई नहीं सुट रहा कोई लोगों को गुमराह किया जा रहा है ऐसी स्टेटमेंट्स देके जो स्टेटमेंट डिपकॉम ऑफिस में दी गई है। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उन्हें गवर्नमेंट कने चलना उन्हें लोगों की गल नहीं सुननी जो एडमिनिस्ट्रेशन की फायदा हो उन्हें अपनी गल करनी और लोगों के फायदे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पता कि अस लोग गलत करा दे लोगों के कोई गल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन भी चली जानी ते बीजेपी भी चली जानी इन्हें इन्ना तंग करी ओड़ेआ लोगों साढ़े की मैं तुसें इक्कै आखा मैं आखा सवेरे उठो ते इन्हें पंज लिए ना वो जुत्तियां इन्दे मुंहे मारो पंज जुत्तियां फिर सिर थे कम्मे पर जाओ मैं आखा तुसें मैं तुसें बाहर दसो जम्मू जम्मू का कोई भी मसला हो तो बाहर दसो खड़के लो ये देख लो अज तुस बाहर दसो सारे बंदे इतने सारे युवा इतने सारा प्रधान सब अस फुल सपोर्ट करा रहे हैं जम्मू की स्कूल छोड़ दे अस ये करा रहे हैं कि सारी कोई गवर्नमेंट की है चिताना जाने है गवर्नमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल जम्मू बार एसोसिएशन युवा राजपूत सभा के जिन्नी में सभा जिन्नी में सिविल सोसाइटी कोई भी प्रॉब्लम होती है बार एसोसिएशन उनके शाना पछाना खड़ोती दी है शाना पछाना चलग उनके कन्नै अगर युवा राजपूत सानू आखदे ने साडी जमानत कराओ बार एसोसिएशन उनकी जमानत करा फ्री ऑफ कॉस्ट कर कोई उनके पैसे लग लेकिन असें जमानत नहीं करानियां साढ़े भ्राएं कुछ नहीं किया जम्मू के लोगों ही मैं तुसें तुसें सारे मीडिया लिए आखना इन्हें बीजेपी एम एल ए पुछो कि उनका कसूर के है ये आखते हैं साढ़े लोग ने बीजेपी के जेडे अंदर किए थे पुलिस पीस ऑफ ब्रीच हुआ है और उसके बाद वहां पर पीस ऑफ ब्रीच होने की नौबत की हुई आखने लोगों ने काम करिए लोगों के जरूरत खड़का बना तुम मी सनाओ पीस ऑफ ब्रीच आपू बना अगर तुम मी सनाओ ढोल पुटी ओड़न उतो जब सारा प्रोटेस्ट खत्म करी ओड़न सवाल स्मार्ट मीटर खत्म करी ओड़न तो लोगों की कोई जरूरत नहीं लोगों ने पाल पुते नहीं कटना छड़का बनान धुप्पे धुप्पे गर्मी में मरन इन्दे लोगों का बेड़ा गर्क होया अगर एक दिन के जम्मू बंद के बाद कोई फैसला नहीं लिया जाता तो बार एसोसिएशन आगे किस तरह से बार एसोसिएशन की हमारी मीटिंग होगी हमारा जर्नलिस्ट होएगा अभी ये कॉल चामरा कमाल की थी जिसको हमने समर्थन किया जिस दिन बार एसोसिएशन अपने जर्नलिस्ट करके आएगी जिस दिन हमारे प्रधान साहब जिसने उसे ऐलान कर दिया जम्मू बंद है
जम्मू बंद होगा, लखनपुर से लेकर बना तक होगा, जम्मू का सारा समाज इकट्ठा होगा। तुम्हारे जितने पैरीवीरी के वकील हैं, बलदेव सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ जम्मू के जिंदाबाद, जम्मू के साथ कोई भी जिंदाबाद। बारिश दंगे भी खाएगी, बारिश भी खाएगी। चलिए लाइव विजुअल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर बार एसोसिएशन जम्मू हाई कोर्ट द्वारा आह्वान किया गया है और सड़कों पर आज युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में उतर आई है जम्मू कश्मीर जम्मू की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से बड़ा हंगामा है आज जम्मू प्रोविंस के अंदर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुख्यतः इस वक्त के लाइव वीडियोस जो हम आप सबके सामने द टाइपराइटर के माध्यम से साझा कर रहे हैं वो है जम्मू के साफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से इनडिसिप्लिन क्रिएट किया जा रहा है और पुलिस की ओर से यहाँ पर चाहे बुलेट बाइक की बात की जाए तो बुलेट बाइक के पटाखे जो होते हैं वो यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट को मिसलीड करने की भी कुछ लोग जो है कोशिश करते हैं। हर बार ऐसा होता है, लगातार ऐसा होता है और खामियाजा भुगतना पड़ता है उन लोगों को जो। अमित महाजन सर हमारे साथ, अमित सर क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमने विस्तार पूर्वक बताया है कि जो दो मुद्दे हैं हमारे आज के, ये बड़ा गंभीर विषय है। आप देखिए, टोल प्लाजा का मुद्दा एक बड़ा जेन्युइन मुद्दा है। आप 60 किलोमीटर के अंडर जो हमारा कानून कहता है उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ज नहीं कर सकते, बट दैट वाज बीइंग चार्ज्ड फॉर द लास्ट नंबर ऑफ इयर्स। जो सरकार को खुद करना चाहिए था वो हमारे भाइयों ने किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। जो ये कह रहे हैं तोड़फोड़ की नहीं की, ये भी झूठ है, क्योंकि वो एक शांतिपूर्वक लोग हैं, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और उनको उठा लिया गया। हम ये आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं, पुलिस हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, कि आप उनको जल्द से जल्द छोड़िए। आने वाले आगे देखिए त्योहारों का सीज़न है, ताकि वो अपने घर जा सके और जो लोगों में क्योस आया है वो दूर हो सके। दूसरा हमारा जो मुद्दा स्मार्ट मीटर्स का, स्मार्ट मीटर्स हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं उसका तर्क है। आज देखिए 21वीं शताब्दी में हर आदमी स्मार्ट होना चाहता है, हम लोग स्मार्ट मोबाइल्स रखते हैं, स्मार्ट LEDs हैं, अच्छा हम खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर्स का विरोध इस कारण हुआ क्योंकि जो बिल्स हैं उसमें त्रुटि हैं। बिल्स अचानक 2-3 महीने या 6 महीने के अंदर उसकी जो बिल की अमाउंट थी वो आप देखिए 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल अमित सर, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, जो तथ्य आप बता रहे हैं हम इसको, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ये 100% सही है, लेकिन बड़ा सवाल जो है आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ वो सवाल है कि ये जो स्मार्ट मीटर्स की जहाँ तक बात है ये सिर्फ जम्मू में नहीं आ रहे हैं, ये स्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, ये अंडर नेशनल स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट आ रहा है, तो फिर जम्मू वासियों को क्या दिक्कत है? 69.68 लाख जो है मीटर्स लग चुके हैं। बड़ा सवाल, मैंने आपको तभी कहा व्हाई वी पीपल आर अपोजिंग इट, राइट, विद रीजंस, व्हाट इज द रीजन? इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है बिल जो आ रहे हैं वो उसकी कंफर्मिटी में नहीं है। ओके, आप देखिए 2 महीने पहले मैंने तभी पहला आपसे कहा जिसका बिल 2000 आता था, ना उस आदमी के मकान बढ़ा, राइट, ना एसी बढ़े, ना बिजली की कंजम्पशन बढ़ी, ठीक है, बिल उसका 10 गुना बढ़ गया जी। यहाँ पे कुछ ऐसे बिल हैं जो हमारी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने प्रेस मीडिया के माध्यम से समाज को बताया और गवर्नमेंट को भी उसका ब्यौरा दिया कि बिल का ओपनिंग बैलेंस 34,000 आता है, यूनिट कंज्यूम 200 आते हैं जी। अगर हम यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई करें जी, ठीक है जी, और प्लस उसका ऐड करें ओपनिंग बैलेंस, वो ज्यादा बिल आना चाहिए 40-45,000 रुपया, ठीक है, बिल 196,000 का आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख का। ये गलत है कि जब तक हम बिल के स्मार्ट मीटर के खिलाफ है ही नहीं, हम तो स्मार्ट बनना चाहते हैं जी। सर पहले डिजिटल मीटर लगाए था। चलिए आगे आप देख सकते हैं बार एसोसिएशन मूव करते हैं। सर बार एसोसिएशन कहाँ मूव कर रही है आप? अब सर महेशपुरा चौक में जाएंगे यहाँ से जी, फिर आगे का प्लान देखते हैं। प्रधान जी नहीं दिख रहे हैं, दुनिया बोल रही है प्रधान जी आगे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब आए हैं। वाइस प्रेसिडेंट है, विक्रम जी कहाँ पर है? उनके घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम है।
सर बड़ा सवाल है, विक्रम जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखिए देखिए पुलिस, पुलिस आपके साथ बात पूछ रही है, विक्रम जी क्यों? पुलिस आपको बात नहीं करने दे रही, पुलिस पुलिस आपको भी शासन जो है। बड़ा सवाल है सर, इग्नोर मत कीजिए, विक्रम जी क्यों नहीं? जी हमारे साथ हैं, विक्रम जी हमारे साथ हैं, वो हमने सवेरे प्रोटेस्ट किया, हम रोडों पे आए, वो हमारे साथ, वो सड़कों पे हमारे साथ थे, वो सुबह सड़कों पर हमारे साथ थे, वो सुबह सड़कों पर हमारे साथ। सर क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे? शायद उनको तबीयत ठीक नहीं है उनकी, हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन आज जनता द्वारा कहा जा रहा है कि विक्रम जी साथ नहीं दे रहे हैं, विक्रम जी फेस नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? देखिए सवालों को इग्नोर करते हुए जब हमने विक्रम जी के ऊपर सवाल पूछा है, जो कि प्रधान है बार एसोसिएशन के, उनके बारे में जब हम सवाल पूछते हैं कि वो कहां पर है, तो ये लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो आज इसका प्रोटेस्ट का चेहरा नहीं बन पा रहे हैं। हम आगे चलना चाहेंगे, उस तरफ आपको देख सकते हैं कि पुलिस जो है अब बार एसोसिएशन को यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रही है। चलिए तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से आज बार एसोसिएशन द्वारा जम्मू प्रोविंस की अगर बात की जाए तो जम्मू प्रोविंस में युवा राजपूत सभा को सपोर्ट किया गया है, और जम्मू बंद का जो आह्वान दिया गया था, कॉल दिया गया था चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा, उसके चलते आज बड़ा एक कदम युवा राजपूत सभा के सहयोग में बार एसोसिएशन द्वारा यहां पर लिया गया है, पहले हाईकोर्ट में और उसके बाद सड़कों पर। आप तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द टाइपराइटर, प्रशांत सरीन के साथ।